अभी तक सब लोग मक्का नहीं पहुंच सके हैं। अगरचे मीना से मक्का का फासला कुछ ज्यादा नहीं, बावजूद के सब रास्ते एकतरफा कर दिए जाते हैं, यानी उधर से इधर आने वालों को रास्ता मिलता है, इधर से उधर जाना बंद होता है। सऊदी अरब की पुलिस भी बड़ा इंतजाम रखती है कि सफर में जरा सी भी रुकावट न पड़े। गाड़ियों और पैदल चलने वालों की कतारें अलग और कायदे से बना दी जाती हैं। फिर भी इतनी तादाद में गाड़ियां और पैदल चलने वाले होते हैं कि आसानी से आगे बढ़ना मुश्किल होता है। सफर की रफ्तार बहुत सुस्त रहती है। बहुत मुमकिन है कि हाजियों का आखिरी दस्ता आधी रात के बाद मक्का पहुंच सके। ये ईमान का जोश, ये हज का शौक 1400 साल से जारी है, इसमें कोई कमी नहीं होती, बल्कि ज्यादती ही होती जाती है। ये पहाड़ियां जो मक्के के मुकद्दस शहर से सिर्फ 9 किलोमीटर के फासले पर हैं, दीन इस्लाम की इब्तिदा की खामोश गवाह हैं। इस्लाम की हैरतनाक तरक्की, हक की एक आवाज और उसका सारी दुनिया में इतनी जल्दी फैल जाना, ये पहाड़ियां इन सब तारीखी हकीकतों की चश्मदीद गवाह हैं। पुकारा जिसने बस तुझको पुकारा, करीमा दावरा परवर दिगारा। ये गारे हिरा है, यहाँ नबुवत के ऐलान से पहले हजरत अब्दुल्ला के यतीम और जवांसाल फर्जंद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर गौर फिक्र में कई कई दिन और कई कई रातें गुजार देते थे। इसी गार में आ हजरत ने फरिश्ते की जबान से खुदा का हुक्म सुना। पढ़ो अपने पालने वाले के नाम से जो सबसे अजीम है, जिसने सब कुछ पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा कर दिया। ये नबुवत के जाहिर कर देने का हुक्म था। आज 1400 साल के बाद भी जब हाजी हज का फरीजा अदा करने मक्का आते हैं तो इस गार की जियारत को भी आते हैं, जिसके दिल में पैगंबर इस्लाम के कदमों के निशान छुपे हुए हैं और जिसके जर्रों में उस जिसमें पाक की खुशबू बसी हुई है। दिल के कानों से उसी वही की आवाज